हाय एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड क्लोजअप टुडे वी विल टॉक अबाउट टू अमिताभ बच्चन ब्लॉकबस्टर्स बोथ ऑफ विच वर रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर एक फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी और दूसरी फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी बोथ फिल्म्स वर डायरेक्टेड बाय मनमोहन देसाई फिल्मों के नाम है कूली और मर्द

जनरली सिचुएशन ऐसा होता था कि किसी के साथ जुल्म हो रहे हैं इट हीरोइन और सीनियर सिटीजन और अ चाइल्ड एंड देन हीरो राजू ऑफ मर्द आर कॉन्फिडेंट एंड हैव ट्रेमेंडस सेल्फ रिस्पेक्ट उनसे ना इंसाफी देखी नहीं जाती लेकिन कूली में बच्चन साहब की जो एंट्री है दैट आई थिंक इज द क्लियर विनर जनाब तनिक खिड़की तो खोलिए हमारी तारीफ जरा लंबी है बचपन से है सर पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ बाजू पे सात सौ छियासी का बिल्ला है बीस नंबर की बीड़ी पीता हूं काम करता हूं कूली का और नाम है जिसके सर पे हाथ पड़े बचे ना उसका एक भी बाल वर्सिस मर्द चल बादल आज की बोनी यहीं से शुरू कर देते हैं आई थिंक कूली विंस हैंड्स डाउन सो एट दाउंड वन कूली गेट्स वन पॉइंट मर्द जीरो राउंड टू एनिमल किंगडम कूली और मर्द इन दोनों फिल्मों में बच्चन साहब का साथ देते हैं दोज हु लिव इन द फॉरेस्ट कूली में बच्चन साहब के साथ ही हैं अल्लाह रखा और मर्द में उनके साथी हैं मोती द डॉग एंड बादल द हॉर्स अब मनमोहन देसाई साहब ने हमें खुद सिखाया था अमर अकबर एंथनी में कि एक से भले दो इसलिए वेन इट कम्स टू एनिमल कंपेनियंस मर्द विन्स हैंड्स डाउन So, at the end of round 2, it is one all, coolie one, mard one. Round 3, slapstick comedy. No Manmohan Desai Amitabh Bachchan film was complete without comedy.

अमिताभ बच्चन इज द हीरो एवरीबडी एल्स इज अ सपोर्टिंग एक्टर बोथ कूली एंड मर्द हैड अ ग्रेट सपोर्ट स्टाफ इफ आए में सेसो कूली में बच्चन साहब के साथ थे ऋषि कपूर वहीदा रहमान रति अग्निहोत्री और मर्द में उनके साथ थे दारा सिंह जिन्होंने उनके पिता का रोल किया था निरूपा रॉय एंड अमरीता सिंह दोनों फिल्मों में विलन्स भी बहुत सारे थे कूली हैड कादर खान हु प्लेट जफर इट हैड सुरेश ओबेरॉय हु प्लेड विकी इट आल्सो हैड पुनीत इसर जिनके साथ फाइट सीक्वेंस में बच्चन साहब को चोट लगी थी लेकिन मर्द के विल्स की कुछ अलग ही बात थी क्या नाम थे उनके लॉर्ड करजन जनरल डायर और साइमन अब जिन लोगों ने हमारी आजादी की लड़ाई का इतिहास पढ़ा है दे वुड बी फेमिलियर विद नेम्स लॉर्ड करजन जनरल डायर और साइमन सो इन टर्म्स ऑफ शियर क्रिएटिविटी एज फार एज द नेम्स ऑफ द दिल्स इज कंसर्ड मर्द विन्स हैंड्स डाउन सो एट द एंड ऑफ राउंड फोर इट इज टू ऑल कूली गेट्स टू पॉइंट्स एंड मर्द गेट्स टू पॉइंट्स एंड नाउ वी कम टू द फिफ्थ एंड फाइनल राउंड द टाई ब्रेकिंग राउंड चमत्कार मनमोहन देसाई ने इन दोनों फिल्मों में ये प्रूफ करना चाहा दैट ही वाज इन डीड द मरिकल मैन कूली के क्लाइमैक्स में इकबाल यानी कि बच्चन साहब को तीन गोलियां लगती है फिर भी वो जिंदा रहते हैं ऑफ कोर्स दैट इज बिकॉज ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन फिल्म के शुरुआत में हमने ये देखा कि अगर एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा है तो उसे कैसे रोका जाए ईजी है रस्सी से दारा सिंह यानी कि राजा आजाद सिंह रस्सी से प्लेन को रोक देते हैं और उसे बांध देते हैं और मर्द के क्लाइमैक्स में हम ये देखते हैं कि ये घोड़ी का पुतला ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ रियल लाइफ घोड़ी एंड रन अवे विद बादल अमिताभ घोड़ा दीज थिंग्स कुड ओनली हैव बीन डन बाय मनमोहन देसाई सो इन टर्म्स ऑफ मिरिकल्स मर्द गेट्स वन पॉइंट तो फाइनल स्कोर है मर्द थ्री एंड कूली टू मर्द विंस But only just. So that was it then. If you would like to witness similar boxing matches between Bollywood films or characters, please write to us with your suggestions. You can type in your suggestions in the comment box. Till then, till we meet again, this is Dev signing off from Bollywood Close Up. Goodbye.